शोनी, हमजा, मम्मा, उठो। चानो, हमजा, शोनी उठ जाओ। उठ जाओ शहजादे, शोनी, मम्मा, उठो। ये देखे भाई, सुबह सुबह भाई दोनों शुरू हो गए। नो चोने भैया, ओ ओ ओ ध्यान से दे, ओ इशद की मोचद की। हमजा नीचे मुँह करके सोए रहो, वो खुद ही आएगा। ओ जी सलाम तो करो भाई। कौन सलाम करेगा, हमजा या अमीर? मैं। जी करो फिर। तो अभी ये स्कूल जाने के लिए रेडी है लेकिन गया नहीं, अभी भाइयों की मस्ती चल रही है, खेल रहे। क्या हुआ भैया, कहाँ है छोनी? भैया ओए, जी आ गया आ गया आ गया। छोनी जाओ भैया के पास। भैया मुंह ही गोलू है इधर। ओए मुंह गोलू है छोनी आपका। बस वो नाराज हो गया कि क्यों कहे ऐसे। ओए बस बस, उसे आपके बाल ही खींचने होते हैं। ये इसका प्यार है हमजा, वो प्यार ऐसे ही करते हैं। छोने नो, छोनी नो नो। नहीं कुछ नहीं कह देगा, कुछ नहीं भाई। अब है ना मीर का गुंडा राज देखे। अभी है ना बाबा के भी बाल पकड़े हुए हैं और भाई के भी है। ओए ओए बाल पकड़ के खड़ा हो गया छोनी। बात छोड़ दो मैं बात। नहीं 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 छोड़ो, बुरी बात। और भाई ये देखें भाई, ये भी अपने हैं भाई अपने। कैसे फादिया, ये भी अपने हैं ना। बस देखे एक उसके अंदर एक बाहर से बैठा है माशाल्लाह। और भाई काफी लोगों का होता है कि मैं सीरियस व्लॉग और अच्छे अच्छे मतलब क्यों नहीं बनाते, सिर्फ बच्चे दिखाती हूँ भाई। हर किसी की लाइफ में परेशानियां चल रही होती हैं तो इसीलिए मैं कोई ऐसा वैसा सीरियस नहीं बनाती, बच्चे दिखाएगा जो भाई खुश हो। ऐसा इतना अच्छा सब कुछ चल रहा था लाइफ में, सब कुछ ठीक था, क्यों किया है सबने ऐसे। खैर सबकी अपनी मर्जी भाई, कोई किसी को यहाँ पे कुछ नहीं कह सकता। और जिसको समझाओ उसे लगता है ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इसने हमें कैसा समझाया। देखिए तोता भी सर हिला रहा है छोटा कि हाँ मैं सही कह रही हूँ, ये भी मेरी बात समझ रहे। तो भाई आजकल भलाई का जमाना नहीं है और समझाने का अभी। तो अगर कोई किसी को समझाने की कोशिश कर रहे है भलाई करने की तो छोड़ दें, वो जमाने गए कि डूबते को हाथ दे के ना कहते थे बचा लो ना उसे डूबने दो, वो जमाने। क्योंकि अगर उससे आपने बचा लिया तो वो आपको धक्का दे देगा, फिर आपको डूबना पड़ेगा भाई। ये वो जमाना आ गया, आजकल भलाई का जमाना नहीं है। मैंने बहुत आजमा के देखा है, बहुत देखा है, बहुत ज्यादा आजमाया और बहुत ज्यादा ये समझी हूँ चीज के। आजकल है ना जिसे समझाओ वही आपको दुश्मन समझेगा। और भलाई का अच्छाई का जमाना गया, वो जमाना गया कि ना अच्छाई करो और उसके बदले आपको अच्छाई मिले, या फिर अच्छाई करो तो मतलब ये है कि आपको सुकून मिले और अगले भी आपको जीने दे। ना भाई वो दिन गए, भूल गए उन दिनों को। क्या हुआ दे दे, क्या दे दूं, क्या हुआ हमजा, क्या कह रही है वो? ओ नहीं मीर आप नहीं जाओ उसके पास, फिर आप मारोगे उसे, छोटी सी है दुआ। और भाई ये बच्ची के फैशन चेक करें। ओ कहाँ, अच्छा ये किसने बताया? अच्छा फादिया ये आज लेके आई हो भाई? आ तो मुझे रात से ना इतना माइग्रेन हो रहा है सर के आधे हिस्से में दर्द और आंख में बिल्कुल आंख नहीं खुल रही, सर नहीं खुल रहा। सुबह फिर भी कुछ बेहतर थी और इसको देखिए जी, सुबह कुछ ऐसे
फर्क लग रहा था, लेकिन अब फिर उठी हूँ तो बस। अच्छा हमजा, आपका दिन कैसा रहा स्कूल का, बताओ, बता दो। मुझे सब कुछ सुनते हो, मुझे डांटते हो, मारते हो। तो आपको ना डांटे, तो बच्चों को तो हर कोई डांटता है। और भाई बच्ची के काम देखे, हम पोछा धो के ऐसे ऊपर चढ़ के थोड़ा पानी वो करते हैं ना। चल अच्छे से लगाओ पोछा, अब ये पोछा लगाने लगी है। लगाओ लगाओ लगाओ, और गिरी भी है बेचारी पानी के ऊपर। चलो लगाओ धुआ जल्दी से। ओ हिलेगा तो इससे तभी लगेगा ना पोछा। ओए हिल गया पोछा भाई। ओ धुआ इधर तो देखो। ओए 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 अली अभी है ना पढ़ने जा रहे हैं। अली नात पढ़ रहे हो क्या, खड़े हो गए? आज सुना दो कोई नात आती है तो। नहीं आती। चलो नात आपको आती है? हाँ। सुनाओ। हैदरी या अली? अली अली, वाह भाई वाह, माशाल्लाह। ए बंद करो इसे आप। नहीं मुझे आती है, पर वो बड़ी है। चलो फिर वापस आके आज सुना देना, ठीक है? चलो जाओ। मौसम देखे ऐसा हो रहा है जैसे आज बारिश होगी। खैर लगता तो नहीं हो बारिश, और बस आज ज्यादा व्लॉग बन नहीं पाया क्योंकि तबीयत काफी खराब है। सर में जो दर्द है ना, अल्लाह माफ करे, ऐसा दर्द है कि बिल्कुल वीडियो नहीं बन रही। और क्या कहते हैं, तो भाई काफी है ना कमेंट्स आ रहे थे चाचू अनवर के बारे में, तो पहले मैंने इग्नोर किया, लेकिन कल फिर आए तो मैंने सोचा इस पे जरूर बात की जाए। अभी लोग जानना चाहते कहना हमजा को आपने नहीं भेजा, वसीम के साथ नहीं खेलने दिया। तो कल मैंने चाचू से खुद बात की, मैंने कहा वसीम से पूछें कब उसने मुझे कहा था कि मेरे मतलब अब्बू बुला रहे हैं हमजा को और मैंने नहीं जाने दिया। मैंने कहा बच्चे हैं आप, बच्चों की बातों में कहाँ आए। मैंने कहा मैंने उसे ये ज़रूर कहा था कि आप यहीं पे आके खेला करो, हमजा को मैं वहाँ नहीं जाने दूंगी क्योंकि ये छोटा है, फिर मुझे टेंशन लगी रहती है और फिर अब आया पहनो इतना आगे जाओ उसे लेने ये वो। तो मैंने कहा मैंने कभी उसे रोका नहीं है, मैंने कहा वो तो आता था हम तो अच्छे से। तो फिर चाचू भी बस चुप हो गए। खैर ऐसा कोई झगड़ा था भी नहीं, तो गलत फहमियाँ होती रहती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस चाचू भी अब मतलब नाराज़ नहीं है, उन्हें मैंने समझा दिया है कि मतलब नहीं कहा था वसीम ने मुझे इस तरह का, तो आपने वीडियो क्यों बना दी, आप पूछ तो लेते एक बार। खैर बस बच्चों की वजह से बस वो थोड़ी हो गई गड़बड़। खैर बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। तो बस अपनी दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे कल नए व्लॉग के साथ। और बस उम्मीद है अच्छी लगी होगी जो भी है भाई वीडियो। तो अल्लाह हाफिज़।